अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नोएडा सेक्टर 16 में शनिवार की सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक बस पिलर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं 12 घायल बच्चों का भी कैलाश हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त बस में 30 बच्चे बैठे थे। बस रजनीगंधा चौक के अंडरपास से गुजर रही थी, तभी एक पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का पूरा हिस्सा बुरी तरीके से पिचक गया और शीशे भी टूट गए। दुर्घटना के बाद अंडरपास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में ट्रैफिक विभाग की टीम बस को टो करके ले गई, जिसके बाद अंडरपास के एक साइड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। न्यूज़ ब्यूरो।